बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, और अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपकी उस परेशानी को दूर फरमाएँ। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, जैसे कि आपने आज की वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक चैलेंज स्नूकर मैच जो मेरे कुछ दो दोस्तों के बीच हो रहा है, वो आपको दिखाएँगे। उससे पहले हम खाना खाने चलेंगे, वो भी कुछ मनाजर आपको दिखाएंगे। मैं आज का व्लॉग शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह आपने मेरी पिछली तीन व्लॉग्स को रिस्पांस दिया, जैसे आपने सब्सक्राइब किया, व्यूज़ मिले, कमेंट्स दिए, मैं बेहद आपका मशकूर हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए लेके आऊँ, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसी तरह इंशाल्लाह ताला मोहब्बत मुझे देते रहेंगे। तो चलते हैं, अपना व्लॉग शुरू करते हैं। हम पहुंच आए स्नूकर पे, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया गया लड़कों का। अच्छा जी भाई जी, किस किस का चैलेंज है आज? आज मेरा और शाहजेब और राजा साहब, राजा रफाक साहब का चैलेंज है, और मेरी टीम में है इदनान साहब। ये खड़े हैं जी, खड़े हैं, लास्ट वीक के चैंपियन है। अच्छा अच्छा, और ये है दूसरी टीम, रफाकत साहब और शादेब साहब। मैं ये जनाब टीम कैप्टन ले जी। नाजिन गेम हो गई है, ये नतो बालन भाई का 8 कुछ ना सर है जी, 8 साडा जी, 8 बसको साडा वाला दीरो वाला कोली बात। ठीक ओए 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 ये ओए यो शॉट राजा, चले जाओ बड़े लगा लो वेद बार बहुत से दीवार च बैठा बाल बड़ी भड़ी जगह खलते है जी। हेलो मार के ठीक है ना, और ऐसे तो ये चिट्टा बाल बड़ी भड़ी जगह खलते है, पर प्लेयर जिंदाबाद है ना जी। स्नूकर क्लब यहां पे सोफेस, यानी कि 4-5 बंदों की सीटिंग आपको मिलेगी यार। रूम में यहाँ रूम प्राइवेट बनी है, ये प्राइवेट रूम है। सब क्या हुआ है, क्यों परेशान? कुछ नहीं कुछ नहीं, माशाल्लाह बेहतरीन जी। कैसी जा रही है गेम आपकी? 18.5 स्कोर है, 18 तो उन्होंने 11 जी। क्लोज है, क्लोज जी। भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी सर सिचुएशन अच्छी है, 11 पीछे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बराबर हो जाएगा। 11 तो इंशाल्लाह आपने दो ब्लॉक जी, बस एक ब्लॉक बाल जाना है तो बस बराबर हो जाएगा इंशाल्लाह। गेम की प्लानिंग हो रही है, लेकिन जैद भाई मुतमिन रहना है, गेम आपके हाथ में है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मैच की जी, आप वैसे आज ही आए कि वैसे रेगुलर बेसिस नहीं? तकरीबन लास्ट फ्यू वीक नहीं आए, लेकिन वरना हम एवरी वीक आते हैं, एवरी संडे एवरी संडे। ये आउटिंग होती है जी, हफ्ता पूरा दबा के काम किया और एक दिन रेस्ट किया, एक दिन एंजॉयमेंट दोस्तों के साथ।
14 का डिफरेंस है टेबल पे 7-6-5। लेकिन फिर भी ये माननी पड़ेगी कि जहीर साहब वाली वो जो शॉट थी सब पे। हाँ हाँ वो शॉट लंबी वाली शॉट बिल्कुल। दूसरा गेम स्टार्ट हो गया जी। सेफ्टी था सेकंड गेम। दूसरा गेम स्टार्ट हो गया जहीर भाई जी। सर गेम को तीसरे फ्रेम तक लेके जाएंगे या इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह तीसरा फ्रेम खेलने के लिए इनको ये वाला फ्रेम जीतना लाजम है। क्या तासुरात हैं आपके अभी जी? इंशाल्लाह ट्राई पूरी है, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी मैच काफी लंबा है। अच्छा तो अभी एक एक रन की जरूरत है बस, उसके बाद देखना। कम हो गया है जी इंशाल्लाह। उनका या आपका? नहीं नहीं उनका। अच्छा अच्छा राय साहब ने लगा दिया जी स्नूकर। स्नूकर लगा दिया राय साहब। वेल डन वेल डन जी। आप वैसे आज ही आए कि वैसे रेगुलर बेसिस पे? नहीं तकरीबन लास्ट फ्यू वीक नहीं आए, लेकिन वरना हम एवरी वीक आते हैं। एवरी संडे एवरी संडे ये आर्टिकल थी जी। हफ्ता पूरा दबा के काम किया और एक दिन रेस्ट किया, एक दिन एंजॉयमेंट दोस्तों के साथ एंजॉय किया। राय साहब 17 पॉइंट्स आगे हैं, यही है ना राय साहब? तो 25 पॉइंट्स हैं टेबल पे। पहला फ्रेम चल रहा है। शॉट शैबी कोई गल ने फाउल कर दिया है। अजरान साहब ये फाउल तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये गेम पलट गया। गेम पलट गया इस फाउल के साथ। जहीर भाई जी अभी तो हालात नामुमकिन से दिख रहे हैं। ये जी राय साहब जीत गए। राय साहब और शादेव साहब जीत गए अपना चैलेंज मैच। राय साहब और शादेव साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा ये चैलेंज आपने किया था या जहीर साहब ने? नहीं मैंने किया था। तो आपने खुद चैलेंज किया? खुद किया था। कहाँ पे जनाब? अच्छा बैट बनाते हैं उस टेबल के ऊपर बैठ कर। अच्छा फुल चैलेंज किया वीडियो के साथ। अच्छा वीडियो में बनवाई ये चैलेंज है संडे को। अच्छा वीडियो है उस चैलेंज जी। नाज़रीन वो वीडियो भी आपको हो सकता है अगर अपलोड हो सके मुझे मिल जाए तो वो भी मैं अपलोड करूंगा साथ में, जहाँ राय साहब ने जहीर साहब को चैलेंज किया था। अभी जहीर साहब के तसरात जानते हैं क्या है जहीर साहब? जी सर पहली तो बात है चैलेंज किया उन्होंने जी, आपने तीसरा फ्रेम उन्हें खेलने ही नहीं दिया, तो चैलेंज कबूल करने की क्या जरूरत थी? नहीं खेलेंगे गेम उनकी भी बहुत हार जीत
ये गेम का हिस्सा है इंशाल्लाह अभी खेलेंगे अभी बहुत टाइम है फिक्र नहीं करें नहीं लोग एक वो तो एक सीरीज हम ही पिछले तो जीते अभी बराबर आप तो बराबर हो आप रीमैच होगा अच्छा 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 ठीक एक सीरीज हम पिछले तो जीते राय साहब ये क्या कह रहे हैं बेदरा आप सामने नहीं ये बात है ना जी सामने ये पिछले हफ्ते ये जीते हैं तो आज आप जीते हैं इसमें सिर्फ एक अरफ का जो ज्यादा था डिफरेंस था वो चैलेंज था जो पिछले वीक वाला था वो वैसे जैसे आप फ्रेंडशिप के साथ खेलते हैं तो ये चैलेंज था इसलिए थोड़ा सा हम इनसे ज्यादा है तो बाकी तो इसकी गेम माशाल्लाह बहुत अच्छी है दोनों असल में पता क्या हुआ है रात को काफी लेट आए ना वापस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा अगर आज का ये व्लॉग पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत अल्लाह निगहबान।